हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में 2010 से वो 2018 तक, वो मैं पूरे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मैसेंजर सेटेलाइट लॉन्च बाई द नासा इज टू स्टडी। मैसेंजर सेटेलाइट है, नासा ने लॉन्च की थी, किस चीज़ की स्टडी के लिए लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, मरकरी की स्टडी के लिए लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इंटेलिजेंट टर्मिनल एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट में 2010 में पूछा गया। इंटेलिजेंट टर्मिनल, तो एन इंटेलिजेंट टर्मिनल हैज़ ए माइक्रोप्रोसेसर बट कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र। तो ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। Which of the following countries has recently become the third largest market for the Twitter? 2010 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था एसएससी में, तो वो कौन सी कंट्री है जो कि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बनी है ट्विटर की? तो वो कंट्री है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोसेसर स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, जो कंप्यूटर की प्रोसेसर स्पीड है उसे कैसे मेजर किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो है MIPS। MIPS एक्रोनियम है फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एंड ओल्ड मेजर ऑफ ए कंप्यूटर स्पीड्स एंड पावर्स। उसके अलावा जो MIPS है, इट मेजर रफली द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन डेट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इन 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी लैंग्वेज क्या है? तो सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसे याद रखना है, सी लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंडो 7 द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज डैश इंडियन लैंग्वेजेस फॉन्ट। तो उसमें इंडियन के कितनी लैंग्वेजेस के फॉन्ट्स हैं? तो 2010 में पूछा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 49। तो 49 इंडियन लैंग्वेजेस फॉन्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़ वाज। तो पहला वो कौन सा कंप्यूटर था जो कोई कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया गया? तो वो है यूनिवैक, UNIVAC। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओवर रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। तो ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्या कहा जाता है विच इज़ यूज बाई ऑर्गेनाइजेशन रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल एरिया, उसे कहा जाता है WAN, WAN। तो हमने ये अपने कंप्यूटर के लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ी हैं, LAN क्या हुआ, MAN क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन आर्मीज ऑपरेशन सयम वाज रिलेटेड टू। तो इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन सयम चल रहा है, वो किससे रिलेटेड है? तो वो है इंडो पाक बॉर्डर इन पंजाब एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हेडक्वार्टर ऑफ MCF यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी द नर्व सेंटर ऑफ द एंटायर स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन इन इंडिया इज एट। तो कहाँ पर है जिसे कहा जाता है नर्व सेंटर ऑफ द एंटायर स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन इन इंडिया? MCF का जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटका में है, हसन। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ए सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूज़फुल। तो कौन सा एरिया है जहाँ पर सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है? वो एरिया है स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए ग्रुप वेयर इज़ अ, ग्रुप वेयर क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ग्रुप वेयर भी एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम ए CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। तो जो ट्रांसफ़र किया जाता है डाटा CPU से टू पेरिफेरल डिवाइसेस, तो वो किसकी मदद से अचीव ये प्रोसेस हो सकता है? तो वो होता है इंटरफेसिस की मदद से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लेन? तो वो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो सी है, कंप्यूटर। इंटरफेरेंस केबल है, इंटरफेरेंस कार्ड है, इथरनेट केबल है, रूटर्स है, आर यूज्ड इन सेटिंग अप अ लैन। रूटर कैन बी प्लग डायरेक्टली इनटू द मॉडेम वाया एन केबल एंड ऑल अदर कंप्यूटर्स आर इवेंचुअली कनेक्टेड इन सम फैशन टू द रूट। इन टर्म्स ऑफ लैन, ए कंप्यूटर कैन नॉट बी सेड टू बी एन आइटम विच कंस्टिट्यूट दिस नेटवर्क। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज M-commerce? M-commerce क्या है? जैसे कि e-commerce से होती है, वैसे M-commerce है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए किससे रिलेट है। तो ये रिलेट है मोबाइल कॉमर्स से।
करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है. क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इन्वेंटेड द मॉडेम, मॉडेम को इन्वेंट करने वाले कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम, दे इन्वेंटेड द मॉडेम. क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्पेस अवेलेबल इन अ सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, सेल. सेल इज द नेम गिवन टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा स्पेस अवेलेबल इन अ सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 18 है, एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज? तो वो अल्टरनेट नेम पूछा गया है फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी. तो वो नेम है मैश, MESH, मैश, SSC CGL सेकेंड शिफ्ट में 2012 में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 19 है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज टू, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं उनका जो यूज़ है वो कहाँ पर होता है? तो करेक्ट जो ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, दे ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल्स ओनली. ठीक है, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होती है उनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन, सॉरी ये रिसीव भी करते हैं और रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, दे रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट? जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो कौन सा टाइप का जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, किस सिस्टम को वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम में हमने ये बात पढ़ी है कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझ जाता है, 0-1 के फॉर्म में जो होती है उसे बाइनरी कहा जाता है. तो ये उसकी वीडियो जो है बेस है माइक्रो प्रोसेसर की, इसे ज़रूर पढ़िए एक बार. क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंट? तो क्वेश्चन पूछा गया है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंट, तो मैं यहाँ पर बताते चलूँ, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, डेसी व्हील प्रिंटर को कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंट. तो डेसी व्हील प्रिंटिंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड इन 1969 बाय डेविड एसली एंड डायब्लॉट डाटा सिस्टम. इट यूजेस इंटरचेंजेबल प्री फॉर्म टाइप एलिमेंट ईच विद टिपिकली 96 ग्लिम्स टू जनरेट हाई क्वालिटी आउटपुट कंपेरेबल टू प्रीमियम टाइपराइटर्स सच एज IBM बट 2-3 times faster. क्वेश्चन नंबर 22 है, ए टेलीविजन चैनल इज करेक्टराइज्ड बाई, टेलीविजन चैनल जो चैनल है उसे कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी पे ही हर किसी के चैनल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसी पे आता है, उसी की वही उसकी खासियत होती है कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये चैनल आएगा, हर किसी की अपनी अपनी होती है. तो एक टेलीविजन चैनल इज करेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल. क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द फेसबुक विच इज़ करंटली द नंबर वन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया? SSC CGL फर्स्ट शिफ्ट में 2013 में पूछा गया है. तो हर कोई जानता है मार्क जुकरबर्ग जो थे फाउंडर ऑफ फेसबुक. तो इसके अलावा इस पे हमने एक वीडियो डाली हुई है, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी है, हर चीज़ जो भी सोशल नेटवर्क है कब बनी है और उनके फाउंडर कौन थे, इस पे एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 24 है, विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ मैग्नेटिक ड्रम फॉर द मेमोरी? तो वो कौन सा कंप्यूटर है जिसने सबसे पहले यूज़ की है मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया है फॉर मेमोरी? तो वो कंप्यूटर जो है IBM ने बनाया था, IBM 650 जो है वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द मैग्नेटिक ड्रम फॉर द मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फ्लोइंग. तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए है, स्टैक. स्टैक इज अ स्ट्रक्चर अमॉन्ग द फ्लोइंग, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. क्वेश्चन नंबर 26, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूरी स्कूल ऑफ द इंजीनियरिंग? तो वो कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि मूरी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया है? तो उसका नाम है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, ENISE वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूरी स्कूल ऑफ द इंजीनियरिंग.
क्वेश्चन नंबर 27 है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट। तो वो कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है बाय द इंटरनेट, इंटरनेट से। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, TCP एंड IP। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु अमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट। तो उस कंपनी के बारे में बोलिए जिन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया में लैपटॉप कंप्यूटर लाया है मार्केट में। तो उस कंपनी का नाम है इप्सन, इप्सन वो कंट्री है, सॉरी वो कंपनी है, हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट। स्पेन कर देता हूँ, द इप्सन HX20 ऑल्सो नोन एज HC20 इज जनरली रिगार्डेड एज द वर्ल्ड एज द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर अनाउंस्ड इन नवंबर 1981, ऑल्दो द फर्स्ट सोल्ड वाइडली यू इन 1983, हेल्ड बाय बिजनेस वीक मैगजीन एज द फोर्थ रेवोल्यूशन इन द पर्सनल कंप्यूटिंग। इट इज जनरली कंसिडर्ड बोथ द फर्स्ट नोटबुक एज वेल एज हैंडल्ड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द डाटा वर्ड, जो डाटा वर्ड हैज़ एन ऑड और इवन नंबर ऑफ वंस। तो वो क्या आइडेंटिफाई करता है, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किस बिट का यूज़ किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने में, कि जो डाटा वर्ड है उसमें जो इवन नंबर है या ऑड नंबर है वंस के। तो वो होता है पैरिटी बिट। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग द स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्किंग इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट है। देखिए, रीअरेंज करना या तो स्पेस को एलोकेट करना मेमोरी में टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड मेमोरी। सो मेमोरी मैनेजमेंट इज रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग द स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सिक्वेंस ऑफ। कंप्यूटर जो है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है किस सिक्वेंस में करता है, पहले वो डाटा को फेच करता है, फिर उसे डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसी हायरची के लेवल पे है क्वेश्चन, SSC CGL फर्स्ट शिफ्ट में 2015 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा हायरची। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ डाटा हायरची के। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो सी है, बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल एंड लास्ट पे डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 33 है, डाटा इन डाटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। डाटा को क्या कहा जाता है डाटाबेस में एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन, डाटा इन डाटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2016 में पूछा गया है, CPU शेड्यूलर इज नॉन एज। CPU शेड्यूलर को क्या कहा जाता है, क्या वो जॉब शेड्यूलर होते हैं, रिसोर्स शेड्यूलर होते हैं, प्रोसेस शेड्यूलर होते हैं या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो सी है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है इनमें से वो कौन सा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ओपेरा। ओपेरा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर, तो हम एंड्रॉयड के बारे में जानते हैं, विस्टा के बारे में जानते हैं, iOS के बारे में जानते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन IT द टेक्निक ऑफ डिलेइंग द आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट टेम्पररी इज नॉन एज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक ऐसी टेक्निक होती है ऑफ डिलेइंग द आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट टेम्पररी इज नॉन एज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका वो पिगी बैकिंग है। तो पिगी बैकिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिलिंग द आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्पोरेली। क्वेश्चन नंबर 37 है, CPU परफॉर्म
इज ऑफन मेजर्ड इन, सीपीयू की जो परफॉर्मेंस होती है उसको अक्सर मेजर किया जाता है एमआईपीएस में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में, 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द इंडेंटेशन ऑन सीडीज एंड डीवीडीज आर कॉल्ड, इंडेंटेशन ऑन सीडी एंड डीवीडी आर कॉल्ड एज ट्रैक्स, तो उन्हें कहा जाता है ट्रैक्स। इंडेंटेशन जो सीडी और डीवीडीज पे होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रैक्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट अ डिस्क फ्रॉम एन इन्फेक्शन आर कॉल्ड एज, ऐसा प्रोग्राम जो कि डिस्क को इन्फेक्शन से रोकता है उसे क्या कहा जाता है? क्या वैक्सीन कहेंगे, एंटीडोट्स कहेंगे, लाइब्रेरी रूटीन्स कहेंगे या इंटरप्रेटर्स कहेंगे? तो इस प्रोग्राम को कहा जाता है एंटीडोट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए निबल इज इक्वल टू, एक निबल है वो किसके बराबर होती है? तो करेक्ट जो है आपका ऑप्शन वो है 4 बिट्स, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन HTML टैग्स कॉन्सिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स एनक्लोज विद इन, क्वेश्चन नंबर जो है ये 2013 में SSC में पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, एंगुलर ब्रैकेट यूज की जाती है। इन HTML टैग्स कॉन्सिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज विद इन, वो टैग होते हैं जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं HTML में। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 करेक्टर एट अ टाइम, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लाइन, प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 करेक्टर एट ए टाइम, वो कौन सा करेक्टर होता है? लाइन का करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वेस्ट जनरेटेड बाय एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर इज नॉन एज, ऐसा वेस्ट जो कि जनरेट होता है बाय द एंड लाइफ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज नॉन एज ई वेस्ट, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। द वेस्ट जनरेटेड बाय द एंड लाइफ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज नॉन एज ई वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, टेलनेट स्टैंड्स फॉर, टेलनेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? उसे कहा जाता है ये टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क, टेलनेट। क्वेश्चन नंबर 45 है, SSC CHSL में 2015 में पूछा गया है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मीन्स, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है? इट मीन्स अ प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मीन्स अ प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 46 है, फोरट्रेन इज कॉल्ड, फोरट्रेन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट जो होता है वो फार्मूला ट्रांसलेटर, फोरट्रेन मीन्स फार्मूला ट्रांसलेटर, SSC CHSL में 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑल फॉर्म्स ऑफ रोम आर आल्सो नोन एज, जितने भी किस्म की रोम होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 48 है, द सिंपलेस्ट CUP शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज, मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो सिंपलेस्ट CUP शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होता है वो क्या होता है? मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, इन MX Excel प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज इन अ वर्कशीट, तो जो ये ऐसा कौन प्रोवाइड करता है? ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ट होगा, इन MS Excel चार्ट्स प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज इन वर्कशीट। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल होम अकेडमी एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द होम। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों में हमने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी ताकि वीडियो है वो लंबी ना हो, खाली ऑप्शन ही पढ़े जो करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ कहीं मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो हमने दी। ये हमने क्वेश्चन जो कवर किए हैं 2013 2000 कुछ 15 के भी लिए मैंने, तो इसके अलावा जो अगला पार्ट होगा उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, कम से कम टाइम में 20 मिनट में 100 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आज हमने 50 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए 20 मिनट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।